आपने फोन उठाया था। हाँ कैशियर खाना खाना गया है। आपने बताया क्यों नहीं कि आप बात कर रहे हैं? मैंने तो कोई बात ही नहीं की। लेकिन आप मेरी बात सुन रहे थे ना? मुझे मौका ही नहीं मिला। नाराज है मुझसे? अब मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला? आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? तो कैसे बात करूं? समझने की कोशिश कीजिए, बिजनेस में भावुक होकर फैसले नहीं लिए जाते। उस मेंटेनेंस कंपनी के सभी वर्कर्स बहुत ही अच्छे हैं, पर उससे अच्छी मेंटेनेंस कंपनी शायद शहर में और कोई है भी नहीं। ऐसे में उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को अचानक रद्द कर देना हमारे फैक्ट्री के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो शारदा? कि आपको पता चले मैंने फोन पर जो कुछ भी कहा क्यों कहा। मुझे पता चल गया है शारदा, मुझे पता चल गया। मैं समझ गया हूं कि फैक्ट्री की भलाई को ध्यान में रखते हुए जो मैं करने जा रहा था वो गलत था। इसके लिए आप मैं तुमसे जबानी माफी मांगू या लिखूं? लिखने को कहोगी तो लिख दूंगा, लेकिन अंग्रेजी में नहीं, क्योंकि आपकी फैक्ट्री के इस वर्कर को अंग्रेजी नहीं, समझे? इस वक्त आप गुस्से में, बाद में बात करेंगे। पता नहीं क्यों आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात तो जरूर है जो आपको अंदर से परेशान कर रही है। क्या आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि हम श्याम और रत्ना के लिए कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए? या फिर कोई और बात है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं कुछ सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हैं? यही कि मैं असल में कपड़ा बेचने वाला हूं। गांव में भी यही करता था और शहर में भी आकर जगह जगह घूमकर मैं कपड़ा ही बेचता था। मेरे ख्याल से मुझे अपने अनुभव को फैक्ट्री के काम में लाना चाहिए। मेरा मतलब है कि मुझे जगह जगह घूमकर अपनी फैक्ट्री के लिए दूसरे कंपनियों से काम लाना चाहिए। मैं सोचता हूँ ये काम मैं अच्छी तरह से कर पाऊंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? आप बात को बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कौन सी बात शारदा? यही कि वो ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आप एक बार मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं करते? कब तक ऐसे ही अकेले घूमते रहेंगे आप? अगर तुम्हें यह मालूम है कि मैं परेशान हूं तो तुम्हें उसकी वजह भी मालूम होनी चाहिए।